जो सबसे आगे। अब बुलाते हैं कैलाश की उस अवधू को जिसकी सुरीली आवाज में इतनी कशिश थी कि ऑडिशन में हमारे तीनों गुरुज उसके दीवाने हो गए। जी वो है लखनऊ यूपी की पूजा तिवारी, और आज वो चैलेंजर राउंड में फिर से आ रही हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। स्वागत कीजिए उनका, पूजा तिवारी। नमस्ते, मेरा नाम पूजा तिवारी है, मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरी हॉबीज हैं डांसिंग, स्टोरी बुक्स पढ़ना और जोक सुनना सुनाना। मैं अपना पूरा ध्यान अपनी सिंगिंग पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरा एम है कि मैं बड़े होके सिंगर बनूं और सिंगिंग ही मेरा करियर है। पूजा, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, डट के और हंस के दोनों गाओ। थैंक यू सर। ठीक है, चैन से गाओ, आराम से गाओ। ऑल द बेस्ट। ओके, 3, 2, 1, गो। पूजा, आपको हमने बोला था ना, वो 2 मिनट में आपको चेक करना पड़ेगा बाबू, तब क्यों नहीं आपने किया? अभी माइक की आवाज आपकी ज्यादा है मॉनिटर में, क्या प्रॉब्लम है? माइक पे बोलिए सर। वो माइक पे ज्यादा आवाज आ रही। महागुरु जी, आप थोड़ा देंगे इनको कंसेशन, सिंस आई थिंक टुडे इज द डे वी कैन। चलो आज के एपिसोड में हो गया सो हो गया, आइंदा से कोई भी बच्चा, I'm sorry, कोई भी गाने में खुद नहीं रोकेगा जब तक कि उसे कहा ना जाए रोकने को। ओके, आप भी समझ लीजिए और सब लोग समझ लीजिए, ठीक है? ठीक है ना? Are we ready? Okay, 3, 2, 1, and go. बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना। झूठे हैं नैनों को नैनों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो मुझको निगाहों। कंप्लीट कर लो। हो गया कंप्लीट? हो गया कंप्लीट? हो गया, हो गया। थोड़ा सा बचा था।
पूजा नहीं बेटा, अब एक मौका नहीं, नहीं देखो कुछ इसका कुछ रूल्स होते हैं, एक चांस मैम, एक चांस लास्ट चांस। नहीं बेटा पूजा ऐसे नहीं करना कभी। बोलिए हाँ जी ठीक है जी, यहीं तक ठीक है। बिंदास बोलिए, शेर नहीं बनो, ये बात ठीक है। तालियां। पूजा क्या हुआ, आप रुक गए बीच में, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी? तुम्हें जो भी लग रहा है, तुम जो भी सोच रही हो माइक पे बोलो ताकि पता चले हम सब। आप नर्वस हैं क्या? थोड़ी सी नर्वस नहीं है, लेकिन उस समय वो थोड़ा गला मतलब ठीक से काम नहीं कर पा रहा। चिंता की क्यों बात कर रहे हो फिर? बिंदास बोलो माइक पे। प्लीज एक चांस सर, प्लीज सर प्लीज। क्या हो गया पूजा आपको? बेटा जब आप स्कूल में होते हो और आप एग्जाम देते हो, तो जब एक दफा आपने पेपर में जवाब लिख दिया और दर्ज कर दिया, आप वापस जा सकते हो अपने टीचर के पास और बोल सकते हो कि मैं जरा अब मुझे जवाब जो है वो अब याद आ गया है, तो मैं इसको ठीक तरह से दोबारा से लिखूं। तो बच्चे ये भी तो एक तरह का एग्जाम है, लेकिन आप इसमें मायूस ना हो, अभी फैसला महा गुरुवैन ने नहीं दिया आपको। फैसला तो बाद में होगा, फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब आप करना चाहते कुछ और है और हो जाता है कुछ और। फिलहाल तो आप यहाँ हैं लिटिल चैम्प्स मंच पर, आपको किस बात की प्रॉब्लम है? आप हैं ना, हम लोग सब हैं आपके साथ। जो आगे होगा, जो फैसला होगा, वो देखा जाएगा। ओके तो अब गुरु को पूछते हैं कि उनको आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो गुरु अदनान, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी थी और आपने बहुत अच्छा गाया। गला खराब या बैठने के बावजूद आपने कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है और यही स्पिरिट होना चाहिए। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हर रोज़ अपने आप को आपको प्रूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रूव कर दिया और पूरी ज़िंदगी आप चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप शुरू से अच्छा गाते आए हो, तभी आप इस मंच पे आज उपस्थित हो, मौजूद हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, आपकी भलाई के लिए होगा और आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। गुरु कैलाश। हाँ मेरा भी यही मैसेज होगा पूजा, कि हर चीज़ आपको कुछ नया सिखाने के लिए होती है। और जैसा अलका जी ने अभी महागुरु ने बताया है कि बड़े बड़े सूरमाओं पर भी ऐसे ऐसे मौके और ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब उनको भी कभी कभी जो वो चाहते हैं करना वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में ये नहीं है कि उसी वक्त घुटने टेक दें और बस एकदम मुँह लटका लें, बल्कि मुँह लटकाना तो और हार को एक्सेप्ट करने जैसी बात हो जाती है। तो उस वक्त तो उस चैलेंज को और बड़ा मान के लीजिए कि शायद मेरे लिए जो अभी तय हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है और मुझे और इम्प्रूवमेंट का एक मालिक ने मौका दिया है। तो आज थोड़ी सी परफॉर्मेंस हल्की सी कच्ची थी, ये आपको भी पता है, और कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऊंच नीच तो चलती रहती है समय के साथ, और रिजल्ट तो अभी आना बाकी है। तो बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, ओके, गुड लक। सबसे आगे